ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन ओडीए मैचेस की सीरीज 2-1 से जीतने के बाद अब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टी20 मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे ब्रिस्बेन गाबा के अंदर खेला जाएगा। और ये जो गाबा का तारीखी स्टेडियम है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज तक एक भी टी20 मैच जो है वो नहीं खेला। और ओवरऑल जब से टी20 क्रिकेट का आगाज हुआ है तो सिर्फ 10 मैचेस यहां पर खेले गए हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि जो ओडीआई सीरीज है वो 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर जीत कर टी20 सीरीज में उतरने जा रही है, तो जो इस वक्त मोस्ट फेवरेट टीम समझी जा रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। इसके अलावा जो दोनों टीमें हैं, जो स्क्वाड दोनों टीमों के सामने आए हैं, अगर उनको परखा जाए तो इस वक्त यही कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है वो इवन इवन है, क्योंकि एक जानिब ऑस्ट्रेलिया ने जो टी20 सीरीज है उसके लिए 13 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि विजिटिंग टीम है तो इनके पास 15 खिलाड़ी हैं। और इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लास्ट टाइम टी20 सीरीज खेली थी उस वक्त की टीम और आज की जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनाउंस होने वाली टीम है, इसके अंदर जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम है वो बाहर हो चुके हैं और 8 तब्दीलियां पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर की हैं। और अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी इसके बारे में जो अपडेट है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा यहां पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टॉस जीत जाती है तो देन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि ओडीआई सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो तीनों मैचेस हैं उनमें बड़ा टफ टाइम दिया। एक मैच में तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाया लेकिन बाकी दोनों मैचेस में टफ टाइम देने के बाद पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीते और पाकिस्तान गो फॉर द किल गया था। सो अब अगर टी20 सीरीज में पाकिस्तान ने जीतना है तो क्या ओडीआई वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, यह भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और इसके अलावा इस स्टेडियम की जो टी20 मैचेस की तारीख है वो भी ओवरऑल मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बरवक्त पहुंच सके। और इसके अलावा चूंकि पिछले कुछ दिनों से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर मैं अपडेट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूं तो कुछ जो भारतीय व्यूवर्स हैं वो बड़े नाराज हैं क्योंकि मैं उनके मीडिया के जो झूठ है, उनके जो सियासतदानों के और जो बीसीसीआई को कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनके झूठ बेनकाब कर रहा हूं, तो ये चैनल जो है वो शैडो बैन का शिकार हो रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल शैडो बैन से बाहर निकले तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक शो करें और ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास फीडबैक में कुछ आप समझते हैं कि बड़ी चीज नहीं है शेयर करने के लिए तो कम से कम कमेंट सेक्शन के अंदर जहां जिस एरिया से आप ये वीडियो देख रहे हो वो एरिया जो है वो जनाब डाल दें ताकि जो रीच है उसको थोड़ी सी तकवीत मिले और YouTube जो है वो हमारे चैनल को शैडो बैन से बाहर निकाले। और इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500 लाइक्स का है, सो इट्स अप टू यू कि आप इसका जो लाइक रेशियो है वो जनाब पूरा करवाएं। अब आते हैं टी20 सीरीज के बारे में और सबसे पहले अगर जो गाबा का तारीखी स्टेडियम है इसके जो टी20 क्रिकेट के स्टैट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं तो यहां पर जो पहला टी20 मैच खेला गया था वो था 9 जनवरी 2006 में और इसके बाद जो लास्ट टी20 मैच यहां पर खेला गया वो 1 नवंबर को खेला गया था जनाब 2022 में, टी20 वर्ल्ड कप का यह मैच था और टोटल इस ग्राउंड के ऊपर 10 मैचेस खेले गए हैं और इन 10 मैचेस में से जो होम साइड है यानी कि ऑस्ट्रेलियाई साइड है उन्होंने 6 मैचेस जीते, 1 मैच जो है वो टूरिंग साइड ने जीता जबकि 3 मैचेस जो है वो यहां पर न्यूट्रल साइड ने जीते। और इसके अलावा यहां पर जो रन चेज करना है वो इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। सो टॉस जीतकर जो पहली चीज पाकिस्तान को करनी चाहिए वो बैटिंग है और पाकिस्तान को कम से कम जो 160 रन का टारगेट है वो अपने जहन के अंदर बिठाना चाहिए क्योंकि इस ग्राउंड की जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो है जनाब 166 और यहां पर जो हाईएस्ट रन चेज हुआ है वो है 161 और ये रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने चेज किए थे। सो पाकिस्तान को कम से कम 160 रन का जो टारगेट है वो अपने जहन के अंदर बिठाना चाहिए। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है उसको स्टडी किया जाए
तो पाकिस्तान की जो टीम है वो इनएक्सपीरियंस टीम समझी जा रही है, क्योंकि यहां पर कुछ बड़े नाम जरूर शामिल है लेकिन जो ज्यादातर लड़के हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। और इनमें सुफियान मुकीम, ये जब पाकिस्तान लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, और इसके अलावा साहबजादा फरहान, न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको इस साल के आगाज पर चांस मिला था लेकिन उसके बाद इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उमैर बिन यूसुफ जो है वो पहली दफा पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। देन जनाब जो जहांदाद खान है लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर, ये भी इस टीम का हिस्सा बने हैं। इसके बाद इरफान खान न्याजी, पाकिस्तान के लिए इन्होंने डेब्यू किया लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। हसीबुल्ला खान पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर चुके हैं, एक मैच T20 का इन्होंने खेला था उसके अंदर अंडा स्कोर किया था और फिर इनको दोबारा चांस नहीं मिला था, और अब यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है उसके स्क्वाड के अंदर इनको जगह मिली है। इसके बाद अरफात मिन्हास अगेन एक न्यू नाम है, डोमेस्टिक के अंदर आपने देखा होगा, यंगस्टर है, अच्छा ऑलराउंडर है, पाकिस्तान को इमाद वसीम की जगह पर जो जनाब सर्व है ये कर सकते हैं, सो इनको भी पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह मिली। आगा सलमान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है। देन जनाब जो उस्मान खान है T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने थे वो भी इस टीम में है। सो ओवरऑल 8 नए लड़के जो हैं वो पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर हैं। और अगर इस ग्राउंड का जो आखिरी मैच था उसकी बात की जाए तो यहां पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान ये मैच खेला गया। इंग्लैंड ने बैटिंग फर्स्ट की और न्यूजीलैंड रन चेस कर रहा था लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 20 रन से जो मैच है वो इंग्लैंड ने जीत लिया था। सो मंत्रा एक ही है, टॉस जीते, टॉस जीतकर आप पहले बैटिंग करने का फैसला करें। और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें बाबर और रिजवान दोबारा एज एन ओपनर वापिस आ रहे हैं और जो ज्यादातर बात हो रही है, लेकिन एक चीज यहां पर सरप्राइजिंगली ये भी हो सकती है कि साहबजादा फरहान जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन करें और बाबर आजम जो है वो नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खेलें। सो इस तरह से भी जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो फाइनल की जा सकती है। देन जो नंबर 4 पोजीशन होगी वहां पर उस्मान खान जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं और उस्मान खान के बाद नंबर 5 पोजीशन के ऊपर सलमान अली आगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर 6 के ऊपर इरफान खान न्याजी, इसके बाद जो नंबर 7 वाला स्लॉट है वो अभी मैं खाली छोड़ रहा हूं क्योंकि नंबर 7 वाले स्लॉट पर कुछ पंगा जो है वो पड़ने जा रहा है, जबकि नंबर 8 के ऊपर शाहीन खेलेंगे, नंबर 9 के ऊपर नसीम शाह खेलेंगे, नंबर 10 के ऊपर हारिस रौफ खेलेंगे। सो 3 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं, चौथा फास्ट बॉलर जो ओडीआई सीरीज में था मोहम्मद हसनैन वो चुके T20 सीरीज का हिस्सा नहीं है, सो पाकिस्तान को उनकी जगह पर भी एक फास्ट बॉलर जो है वो इंक्लूड करना है। सो जो ज्यादा चांसेस इस वक्त नजर आ रहे हैं वो हैं अब्बास अफरीदी के, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये सोचा कि हम जनाब अरफात मिन्हास को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं तो फिर पाकिस्तान का जो 15 जो प्लेइंग 11 बनेगी उसमें नंबर पहले जो 3 पोजीशंस हैं साहबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नंबर 4 के ऊपर उस्मान खान, नंबर 5 के ऊपर सलमान अली आगा, नंबर 6 के ऊपर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे जनाब इरफान खान न्याजी, नंबर 7 के ऊपर अरफात मिन्हास, नंबर 8 के ऊपर शाहीन, नंबर 9 के ऊपर नसीम, नंबर 10 के ऊपर हारिस रौफ और नंबर 11 के ऊपर अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान। अब ये जहांदाद खान का जो नंबर है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि इनके पास बैटिंग करने की सलाहियत है। सो पाकिस्तान जो मुझे नजर आ रहा है वो 4 पेसर्स और 1 स्पिनर के साथ खेलेगा। सुफियान मुकीम भी बड़े तगड़े स्पिनर है T20 क्रिकेट के, अरफात मिन्हास के पास जनाब जो बैटिंग करने की सलाहियत है वो चुके मौजूद है। सो इस तरह से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन सकती है और मेरी नजर में पाकिस्तान को अरफात मिन्हास जो है उसे चांस देना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो T20 सीरीज शुरू हो रही है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप आइंदा होना है उसकी प्लानिंग भी यहां पर नजर आ सकती है। सो T20 वर्ल्ड कप 2026 चूंकि एशियन कंडीशंस में होगा वहां पर स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सो पाकिस्तान को अभी से जो इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज की जगह पर खेलने वाला स्पिनर है उसको ट्रेन करना चाहिए। और एक सरप्राइज ये भी मिल सकता है, ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा हूं
और पाकिस्तान बगैर किसी स्पिनर के खेले, और अगर कहीं पर बॉल थोड़ी सी टर्न होती हुई नजर आई और स्पिनर की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान सलमान अली आगा जो है उनकी सर्विसेज ले सकता है। सो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट प्लान जो है वो सोच रहा होगा, और जो मेरे तक इतलात है उसके मुताबिक सरप्राइज जो है वो मिल सकता है, और ये सरप्राइज ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान मैच हारे, बल्कि ये सरप्राइज पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो T20 मैच है वो जीतने में मदद देगा, और पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया जो T20 रिकॉर्ड है वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने टोटल 4 मैचेस खेले यहां पर। पहला मैच पाकिस्तान ने 2010 के अंदर खेला था, पाकिस्तान 130 रन से भी कम का टारगेट मिला था लेकिन वो रन चेस नहीं कर पाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने यहां पर 2019 के अंदर T20 सीरीज खेली थी, 3 मैचेस की ये सीरीज थी, पहला मैच बारिश की नजर हुआ था और बाकी 2 मैचेस जो थे वो दोनों पाकिस्तान हार गया था। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी तक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता, और अगर पाकिस्तान जीत गया तो अगेन जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान रीराइट करेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।